नमस्कार बहुत स्वागत है आयुष्मान भाव में मैं हूं आपके साथ आपका एस्टो फ्रेंड संतोष संतोषी दिनांक 19 नवंबर को पैदा हुए लोगों के लिए पूरा वर्ष कैसा बीतेगा वर्षफल लेकर के उपस्थित होता हूं और यही आपके लिए एक अलग तरह की पहचान बनाता है आप सबको हर प्रकार से शुभ बनाता है आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा देता है दिनांक 19 नवंबर को पैदा हुए लोगों को हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दिनांक उन्नीस नवंबर को जिनकी शादी की सालगिरह है उनके लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं। पति पत्नी के मध्य सौहार्द बनाने के लिए क्या उपाय है ये हम लेकर के उपस्थित होंगे और हर प्रकार की से आप सबको जितना कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे बात करते हैं सबसे पहले उन्नीस नवंबर को पैदा हुए लोगों की शिक्षा के विषय में पढ़ाई के बहुत सारे नए रास्ते खुलेंगे कोई नया कोर्स आप आरंभ करेंगे किसी नए ओकेजनल ट्रेनिंग में आप जाएंगे मतलब मिला करके यह वर्ष जो आने वाला है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा नई जगह एडमिशन आदि के लिए आप मार्च के बाद अप्रोच करिए जून अगस्त स्वास्थ्य की दिक्कत होगी सितंबर के बाद सब कुछ बहुत सकारात्मक होगा व्यापार बिजनेस में बड़े फैसले आपके लिए सकारात्मक होने जा रहे हैं व्यापार आप बहुत अच्छा करेंगे व्यापारिक नुकसान से बाहर निकलेंगे बिजनेस आपके लिए एक नई ऊंचाई छुएगा व्यापार में आप बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी प्राइवेट सेक्टर को लेकर के आप बहुत आसानी से उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ बढ़ते चले जाएंगे सरकारी क्षेत्र के मामले में हर प्रकार की सकारात्मकता बनी रहेगी गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए सब प्रकार से शुभ रहेगा लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कुछ उठापटक रहेगा नई नौकरी की संभावना फरवरी जून नवंबर में है प्राइवेट सेक्टर वालों को बॉस के साथ तालमेल बिठाने में अप्रैल और मई में बहुत समस्या रहेगी किसी भी तरह से कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपको सकारात्मक लगेगा अपने आप को सावधानी के साथ कदम बढ़ाइएगा व्यापार में एक और समस्या आ सकती है कि बिजनेस कोई आपकी आपका हड़प सकता है अगर कोई साझेदारी में आप कर रहे हैं जून और अक्टूबर दो महीना गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए प्रमोशन के चांसेस फरवरी मई जुलाई सितंबर फरवरी मई जुलाई सितंबर प्रमोशन है स्थानांतरण के लिए मार्च और अक्टूबर नवंबर दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा मा, माइनस थोड़ा सा प्लस मिला जुलाकर ठीक ठाक है दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या नहीं है बट एक मसला आएगा संतान को लेकर कुछ उठापटक बनेगा दिसंबर जनवरी धैर्य रखिएगा जल्दीबाजी में फैसले लेने से बचिएगा मैरिड लाइफ को लेकर फरवरी मार्च किसी तरह की समस्या नहीं आएगी फरवरी मार्च आपके लिए हर प्रकार की सकारात्मकता देगा फरवरी और मार्च आपके लिए नई ऊंचाइयां छुआएगा फरवरी मार्च आपके लिए नए रास्ते खोलेगा मई सितंबर मई से सितंबर के बीच किसी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली किसी तरह की समस्या नहीं आएगी थोड़ा सा अपने आप को सावधान रखने की आवश्यकता है लव लाइफ सब कुछ बहुत अच्छा है किसी तरह की समस्या नहीं है पति पत्नी की तरह यहां पर उलझन नहीं है शादी की चर्चा कर सकते हैं लेकिन परेशानियां आएंगी विवाह की चर्चा चल रही होगी तो अप्रैल मई में टूट सकती है नए प्रपोजल्स जून अगस्त अक्टूबर में आ सकते हैं तीन महीना सावधान रहे स्वास्थ्य के मामले में आंख बैक की प्रॉब्लम पेट थोड़ी बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है आपको ही सावधान रहना है प्रयोग क्या करना चाहिए बताएं पहले एक जात बात और बता दें हड्डियों की दिक्कत अप्रैल मई में ज्यादा होगी जब सूर्य मेष राशि में चलेगा पंद्रह अप्रैल से पंद्रह मई और सूर्य ही हड्डी का कारक होता है आज शुक्र का नक्षत्र है यह आपके लिए सही नहीं है उत्तराषाढ़ नक्षत्र पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है आज प्रयोग के तौर पर आज गौशाला में काले तिल और गुड़ का दान शुभ होगा किसी विधवा को सफेद वस्त्र देना भी शुभ होगा जिनकी आज शादी की सालगिरह है वो किसी छोटे बच्चे की शिक्षा में मदद करके दो पीपल के पौधे लगा दें बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका फिलहाल के लिए आज बस इतना ही लेकिन ज्योतिष जराहट के में सूर्य ष्ठी से संबंधित छठ पूजा से संबंधित उपाय जानना न भूलिएगा हमारे एक और चैनल ज्योतिष जराहट के फिलहाल आप अपने फ्रेंड को अनुमत दे सकते हैं नमस्कार श्रीनाथी